वेरी गुड मॉर्निंग. हेलो स्टूडेंट, आई एम योर टीचर फ्रॉम संस्कृति गुरुकुलम स्कूल. हाउ आर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर फाइन. टुडे आई एम टीचिंग यू ईवीएस. नाउ आई एम गोइंग टू टेक अप चैप्टर 4 डेफिशिएंसी डिसीजेस. तो आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे, डेफिशिएंसी डिसीजेस. ओके, ये चैप्टर आपके ईवीएस के साइंस पोर्शन का चैप्टर 4 है, जिसका नेम है डेफिशिएंसी डिसीज. ओके, तो क्या मीन्स होता है डेफिशिएंसी डिसीजेस का? कुछ हमारी बॉडी में कमी होने के कारण, हमारे खाने में कमी होने के कारण जो हमें डिसीजेज होते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. ओके, तो आप मेरे संग अच्छे से समझेंगे, रीड करेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. ईच फूड स्टफ इज रिच इन वन और द अदर काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स. हर खाने में अपने अपने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सभी खाने में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. अवर बॉडी नीड्स ईच न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट. हमारी बॉडी हर तरीके के न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है. ओके, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स आर द न्यूट्रिएंट्स विच अलोन विथ वाटर एंड फाइबर्स फॉर्म द बैलेंस डाइट. प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वो सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं. साथ में वाटर और फाइबर्स मिलकर क्या बनाते हैं? बैलेंस डाइट बनाते हैं. ओके, अ बैलेंस डाइट इज नेसेसरी फॉर एवरीवन टू रिमेन हेल्थी एंड स्ट्रांग. एक बैलेंस डाइट सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इससे क्या होता है, हम हेल्थी रहते हैं और स्ट्रांग रहते हैं. ओके, क्या बनाते हैं बैलेंस डाइट हमें? हेल्थी और स्ट्रांग. ओके, आगे पढ़ते हैं. समवन डज नॉट टेक अ बैलेंस डाइट, यदि कोई बैलेंस डाइट नहीं लेता है तो हिज हर फूड लैक इन वन और मोर अबव द न्यूट्रिएंट्स, तो उसके फूड में से वन और मोर अबव न्यूट्रिएंट्स एब्सेंट हो सकते हैं. डिसीजेस आर कॉज्ड व्हेन वन और मोर न्यूट्रिएंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन द डेली डाइट इन द राइट अमाउंट. डिसीजेस हो सकते हैं यदि डेली डाइट में न्यूट्रिएंट्स नहीं हो, वन और एक और एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्सेंट हैं, प्रेजेंट नहीं है सही अमाउंट में. ओके, तो डिसीजेस हो जाते हैं. दस डिसीजेस कॉजेज बाय लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीज. तो डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या होते हैं? डेफिशिएंसी डिसीज वो होते हैं हमारी जो डेली डाइट होती है उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं होना, प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं होना. ओके, दिस डिसीजेस आर नॉट कम्युनिकेबल. ये डिसीजेस कम्युनिकेबल नहीं है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं जाते हैं. अस दे कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते भी नहीं है. ओके, कॉजेज ऑफ डेफिशिएंसी डिसीज, क्या कारण है डेफिशिएंसी डिसीजेज के? फर्स्ट, वन और मोर न्यूट्रिएंट्स मिसिंग और प्रेजेंट इन लेस अमाउंट देन रिक्वायर्ड इन द डाइट. जितनी हमें हमारी डाइट को ज़रूरत है, जितनी हमें ज़रूरत है उतनी अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमारी जो डाइट है उसमें प्रेजेंट ना होना. ओके, सेकेंड है, फ्रिक्वेंट लूज स्टमच, डायरिया, ऑफ्टन रिपीटेड इन्फेक्शन, वॉर्म्स इन द इंटेस्टाइन कॉजेज लॉस ऑफ लिक्विड जूस फ्रॉम द बॉडी. क्या होता है यदि इन्फेक्शन्स होना, हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें वॉर्म होना, ओके, डायरिया होना, ये भी कॉजेज है डेफिशिएंसी डिसीजेज के. आगे पढ़ते हैं. थर्ड है, रॉन्ग फूड बिट लाइक थ्रोइंग अवे द वाटर इन विच राइस इज कुक्ड. दिस वाटर हैज़ ऑल द न्यूट्रिएंट्स. रॉन्ग है फूड हैबिट होना, जैसे जो चावल होते हैं उसका पानी हम फेंक देते हैं कुक करने उबालने के बाद, पर हमसे नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि उसमें ऑल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. फोर्थ, डिस्ट्रॉइंग न्यूट्रिएंट्स बाय ओवर कुक करके फूड में से जो न्यूट्रिएंट्स उनको डिस्ट्रॉय कर देना. ओके, ये सब क्या है? कॉजेज है डेफिशिएंसी डिसीजेज के. प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, डेफिशिएंसी डिसीज. कॉजेज, दिस डिसीजेज अकर इन चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 months to 3 years. जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी डिसीज होते हैं तो वो किन किस बच्चों में होते हैं? वो होते हैं बिटवीन 6 months to 3 years. ओके, अ चाइल्ड सफर फ्रॉम दिस डिसीजेज व्हेन इट मदर स्टॉप हिज स्किलिंग एंड आल्सो डज नॉट गिव इट सफिशेंट फूड. ये डिसीजेज उन बच्चों में होते हैं, वो बच्चे सफ़र करते हैं जिनकी मदर उन्हें प्रॉपर स्टॉप सकलिंग कर देते हैं या फिर प्रॉपर सफिशिएंट फूड उन्हें नहीं मिलता खाने को. ओके, साइन एंड सिम्टम, इसके साइन और सिम्टम क्या है, कैसे पता चलता है कि ये डेफिशिएंसी डिसीज है उसे? फर्स्ट, द चिल्ड्रन डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन प्लेइंग. बच्चा खेलने में इंटरेस्ट नहीं लेगा. सेकेंड, द चाइल्ड इज नॉट वेरी एक्टिव एंड गेट टायर्ड एंड डल वेरी सून. जो बच्चा है वो एक्टिव नहीं होगा, बहुत ही जल्दी थक जाएगा और बहुत ही डल रहेगा. थर्ड, द चाइल्ड इज थिनर देन अदर हेल्थी चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज. जो बच्चा है वो मतलब पतला रहेगा अदर बच्चों के कंपैरिजन में. फोर्थ, द चाइल्ड हैज लूज स्किन, सनकिन आईज एंड वेरी थिन एंड लाइट कलर हेयर. तो मतलब ये भी जैसे उसकी लूज स्किन होगी, अनस्किन आईज होंगी, वेरी थिन होगा. ओके,
फिफ्थ है, समटाइम बॉडी ऑफ सच अ चाइल्ड स्वेल और फेस ऑन फेस बैली हैंड एंड फीट द स्किन गेट डार्क एंड स्टार्ट स्लीपिंग ऑफ। और ये भी होता है कि कभी कभी स्वेल हो जाती है उसके फेस पे, हैंड में, फिट पे। ओके, तो ये सिम्टम्स है प्रोटीन और कार्बोहाइड डेफिशिएंसी डिसीज के। ओके, क्योर बिसाइड मदर मिल्क फ्रूट एंड वेराइटी ऑफ सॉफ्ट बॉलिड फूड लाइक प्रोविज एंड मैश वेजिटेबल शुड बी गिवन फॉर द एज ऑफ 4 मंथ। इससे कैसे 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 बच सकते हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड डेफिशिएंसी डिजीज से, मदर मिल्क देना चाहिए, फ्रूट क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो उन्हें मदर मिल्क फ्रूट उन्हें बॉयल करके जो सब्जियाँ होती है वो देनी चाहिए। ओके, एज ऑफ 4 मंथ पे देनी चाहिए। दिस एडिशनल फूड शुड कंटेन सफिशियंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड इन फूड्स में सफिशियंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ओके, आगे पढ़ते हैं विटामिन डेफिशिएंसी, विटामिन की कमी से जो डिसीजेस होते हैं उनके बारे में। विटामिन ए डिफिशियंसी, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, लेक ऑफ विटामिन ए कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। द मेन साइन ऑफ दिस डिसीज आर डिफिकल्टी इन सीइंग इन द डिम लाइट। मेन क्या साइन है इस डिसीज़ के, जो विटामिन की कमी से होते हैं जो डिम लाइट होती है उसमें दिखना बंद हो जाता है। डल एंड ड्राई आइज, जो आइज होती हैं वो डल और ड्राई हो जाती हैं। वाइट ट्राइंगल पैचेस ऑन द वाइट पोर्शन ऑफ द आइज, आइज के वाइट पोर्शन पे राइट ट्राइंगल जैसे पैचेस हो जाते हैं। एंड फोर्थ है ड्राई स्केली स्किन, ड्राई और स्केली स्किन हो जाती है विटामिन ए की कमी से। ओके, ग्रीन लीफी वेजिटेबल कैरेट पपाया मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट शुड बी टेकन टू प्रिवेंट नाइट ब्लाइंडनेस। ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए, कैरेट खाना चाहिए, पपाया खाना चाहिए, मिल्क लेना चाहिए, मिल्क के प्रोडक्ट खाने चाहिए नाइट ब्लाइंडनेस से प्रिवेंट करने के लिए, बचने के लिए। ओके, तो अपर है विटामिन बी डेफिशिएंसी, विटामिन बी की कमी से क्या होता है, लेक ऑफ विटामिन बी कॉजेज क्रैक एट द कॉर्नर ऑफ द माउथ, रेड एंड रॉट टंग, पेन, नंबरनेस एंड लॉस ऑफ टेंशन इन द लिम्स, दस एवरी एक्टिविटी ऑफ द बॉडी इज डिस्टर्ब। क्या होता है विटामिन बी की कमी से, जो माउथ के साइड है उसमें कट लग जाते हैं, जो टंग है वो रेड और रॉ रहती है, पेन रहता है। ओके, तो ये क्या करते हैं हमारी जो डेली एक्टिविटी है उसको डिस्टर्ब करते हैं। द डेफिशिएंसी कैन बी क्योर बाय फूड आइटम रिच इन विटामिन बी। इससे बचने के लिए हमें वो फूड आइटम खाने चाहिए जिसमें विटामिन बी होते हैं, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ग्रीन सब्जी, स्प्राउट्स खाने चाहिए, पल्सेस, दाल, होल ग्रेन, ग्राम एंड मिल्क, ग्रेन ग्राम एंड मिल्क खाने लेने चाहिए। ओके, तो विटामिन बी डिसीजेज नहीं होंगे, विटामिन बी की जो डेफिशिएंसी डिसीज है वो नहीं होगी यदि हम ये सारी चीज़ें लेंगे। ओके, आगे पढ़ते हैं विटामिन सी डेफिशिएंसी, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, लेक ऑफ विटामिन सी कॉजेस सर्वे रेड स्पॉट अंडर द स्किन, स्वेल एंड ब्लीडिंग गम्स एंड लूज टीथ। विटामिन सी की कमी से होते हैं जो हमारी स्किन के अंदर वो रेड स्पॉट्स पड़ जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, ब्लीडिंग गम्स, जो हमारी गम्स उसमें ब्लीडिंग होने लगती है, टीथ लूज होने लगते हैं। ओके, तो ये सब क्या होता है विटामिन सी की कमी से। इट्स डेफिशिएंसी कैन बी क्योर बाय फूड रिच इन विटामिन सी। इससे बचने के लिए हमें वो फूड खाने चाहिए जो विटामिन सी में होते हैं, जिनके अंदर विटामिन सी होता है, जैसे आंवला, लेमन, ऑरेंज, गुआबा, स्प्राउट्स, ग्राम, आंवला, लेमन, ऑरेंज, गुआबा, ऐसे फ्रूट्स हमें खाने चाहिए। इसमें क्या होता है विटामिन सी होता है जो कि हमें विटामिन सी डेफिशिएंसी डिजीजेस से बचाता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज रिक्ट सॉफ्ट बोन्स, दिस सॉफ्ट बोन्स आर डिफॉर्म्ड, ब्रॉड लेग, बेंडिंग ऑफ रिब्स, बंगलिंग ऑफ बैकबोन। दिस डिसीजेस कैन बी क्योर्ड बाय टेकिंग मिल्क, चीज, बटर, बाय अवॉइडिंग एक्सपोजर ऑफ नेक, बॉडी टू सनलाइट। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, जो हमारी बोन्स हैं वो इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि वो कैसे भी मूव मतलब हो जाती हैं, जैसे आप ये लेग देख रहे हैं, यदि हम विटामिन डी की कमी होगी तो इतनी हो जाएगी कि लेग ऐसे हो जाएंगे। ओके, तो इस डिसीजेस से बचने के लिए हमें मिल्क, चीज, बटर लेनी चाहिए और अवॉइड करना चाहिए कि सनलाइट के जो मतलब सनलाइट के सामने हमारी बॉडी डायरेक्ट कर वो ना हो। ओके, बचना चाहिए उस चीज से। ओके, आगे पढ़ते हैं आयरन डिफिशिएंसी, आयरन की कमी से क्या होते हैं, लीक टू एमोनिया, लेक ऑफ ब्लड, एमोनिया एक जो ब्लड की कमी हो जाती है आयरन की कमी से।
स्किन लिप्स एंड नेल्स टर्न पेल. द पर्सन कैन नॉट वॉक लॉन्ग. पर्सन ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाता. अमेनिया कैन बी क्योर बाय टेकिंग फूड रिच इन आयरन विच विटामिन बी. अमेनिया से बचने के लिए हमें फूड खाने चाहिए जिसमें विटामिन बी होते हैं. आयरन इज फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल स्पेशली इन स्पेच. आयरन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होते हैं स्पेशली पालक में. डेट्स एंड रेजन आर ऑल्सो रिच इन आयरन. जो डेट्स और रेजन होते हैं उसमें भी आयरन पाई जाती है. ओके. कैल्शियम डिसीजेज. कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी होती है. कैल्शियम डिसीजेज डेफिशिएंसी कॉजेज वीक बोन्स. जो कैल्शियम की कमी से जो है बोन्स हैं वो वीक हो जाते हैं. शीशम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आर रिच इन कैल्शियम. शीशम मिल्क मिल्क प्रोडक्ट इनमें कैल्शियम पाए जाते हैं. इन्हें लेना चाहिए जिससे हम क्या करें होंगे कैल्शियम मेक बोन्स स्ट्रॉन्ग. कैल्शियम क्या करता है हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है. ओके. आयोडीन डेफिशिएंसी कॉजेज गोइट्री एंड स्वेलिंग ऑफ द थ्रोट ग्लैंड. आयोडीन की कमी से हमारे जो गले में उसमें स्वेलिंग हो जाती है. इफ़ वन यूज आयोडीन सॉल्ट डेली ही शी सॉल नॉट सफर फ्रॉम गोइट्री. तो यदि हम यदि आयोडाइज नमक लेंगे सॉल्ट लेंगे तो हम इससे हमें ये बीमारी नहीं होगी. हमें इससे